हेलो फ्रेंड, सक्सेस ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी सी से रिलेटेड काफ़ी वैकेंसीज निकाले हुए हैं और साथ के साथ 2016 में भी काफ़ी वैकेंसीज थी जो अब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं उसके। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है और जो आने वाली वैकेंसीज हैं उन पर क्या लेवल होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो चलिए फ्रेंड, आज का जैसे हमारा टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, कैटेगरी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वीडियो वेटिंग लिस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आज यहाँ पे हम दो मेन पॉइंट्स पे वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यदि अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ टेलीग्राम से भी जुड़ें जहाँ से आपको चैनल्स के सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप देख पाएंगे समूह गी की परीक्षाओं में स्क्रीनिंग का सुझाव। आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो दो इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक ही पेज पे काफ़ी अच्छी तरह से दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त रवैये के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत अन्य सभी भर्ती संस्थाओं को ये कदम उठाने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी प्रेजेंटेशन हुए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में भी दिया हुआ है कि इसकी गा की भर्तियों में स्क्रीनिंग का सुझाव दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यानी कि इस अब जो भी प्रोसेस आगे होगी उन सभी में चांसेस है कि आपके स्क्रीनिंग रिजल्ट रिटर्न के साथ साथ आपके स्क्रीनिंग के एग्जाम्स भी होगा, मतलब स्क्रीनिंग भी होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि काफ़ी कैंडिडेट जो फर्जी तरीके से रिटर्न निकाल लेते हैं तो स्क्रीनिंग के थ्रू बाहर हो पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गा की जो आपके समूह गा की परीक्षाएँ होती हैं वो सभी में आपके इंटरव्यू नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द देम। तो इन सभी से रिलेटेड ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है कि स्क्रीनिंग से रिलेटेड मेन। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक जैसा कि आपको पता होगा एक एलटी ग्रेड के बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आदि ने अपने प्रेजेंटेशन दिए। ठीक है, लोक सेवा आयोग ने आने वाले रिजल्ट के बारे में जानकारी दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में भी दिया गया है कि रिजल्ट अगले माह तक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक तरह से बोला सकते हैं कि एक तरह से ऑफिशियल है, क्योंकि वहाँ पे दिए गए जो भी अधिकारी टाइप होंगे, ठीक है, तो उन्होंने जब ये इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से लाइवल होगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो नलकूप जो चालक परीक्षा थी जिसका पेपर संडे होना था, ठीक है, वो पेपर किसी कारण से यानी कि ये कह सकते हैं कि आउट होने की वजह से वो पेपर कैंसिल हो गया था। तो इससे सेवा चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को काफ़ी धक्का लगा था और इसको देखते हुए 16 सितंबर को होने जा रही व्यापक शिक्षा परीक्षाओं की उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में आवेदन होने पर स्क्रीनिंग परीक्षा का भी सुझाव रखा है। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके जो व्यायाम जो आपका एग्ज़ाम है 01/2018, ठीक है, वहाँ पे भी आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा हो सकती है आफ्टर इस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं वीडियो से रिलेटेड। फ्रेंड, वीडियो कैंडिडेट्स के लिए हालांकि पहले से ही हाई कोर्ट ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश एजेंसी चयन आयोग को ग्राम पंचायत अधिकारियों के खाली पदों पर यानी कि जो वैकेंट वैकेंसीज रह गई थी जिन कैंडिडेट ने चयन होने के बाद भी चयनित की ओर से कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो उस दशा में पद खाली रह जाते हैं। कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना कि प्रतीक्षा सूची पर 15 नवंबर 1999 से रोक लगी है। ठीक है, इस चीज़ को कैंसिल कर दिया और बोला कि 25% अधिक आपको चयन करने हैं और उससे कहते हैं उस कंडीशंस में आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड थी, जिससे कि जितने भी कैंडिडेट अभी भी एक या दो नंबर से चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। और वेटिंग लिस्ट आने के बाद काफ़ी कैंडिडेट इसके अंदर एंटर करेंगे। अगर और भी वैकेंसी जो यूपी अधीनस्थ आयोग की वैकेंसीज है, अगर उस पर भी अलावा हाईकोर्ट में अगर ये याचिका दायर होती है इस तरीके की, तो वहाँ पर भी आपको चांसेस रहेगा कि वहाँ पे भी आपको प्रतीक्षा मतलब वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो फ्रेंड, ये थी इन्फॉर्मेशन, आई होप ये आपको समझ में आई होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो के पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट में दीजिए। चैनल्स को सब्सक्राइब करना हो दीजिए फ्रेंड, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे चैनल्स के सभी अपडेट्स आपको मिलें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।